मध्य प्रदेश में सीजन का पहला स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। अगले तीन दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। रविवार को भोपाल और नर्मदापुरम में सुबह से कभी तेज कभी धीमी बारिश हो रही है। इंदौर समेत कुल 31 जिलों में तेज पानी गिरने की संभावना है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुना जिले में 24 घंटे के अंदर 4.5 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सौराष्ट्र गुजरात के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, वहीं बंगाल की खाड़ी के आसपास लो प्रेशर एरिया है। मॉनसून ट्रफ प्रदेश के श्योपुर दमोह मंडला की तरफ से गुजर रही है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से नमी भी आ रही है। इस कारण बारिश की स्ट्रांग रूम एक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा अगले दो दिन पूरे प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने के आसार ज्यादा हैं। लोगों को बचाव की समझाइश दी गई है। शनिवार को भी प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, सागर, सिवनी और बालाघाट जिलों में पानी गिरा है। तस्वीरें आप देखें भोपाल में बारिश को लेकर किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। अगले तीन दिन तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम में तेज बारिश और सीजन का पहला स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव हो गया है। 31 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। तो दो दिन बिजली गिरने के भी आसार ज्यादा हैं और इसी को लेकर लोगों को ये समझाया गया है कि इन दो दिनों में लोग अपने घरों से बहुत कम बाहर निकले। जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी होने से बच सके। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एहतियाब शेख मेरे साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब जी, इंदौर में क्या मौसम देखने को मिल रहा है, बारिश को लेकर अब क्या हालात बने हुए हैं? जी, ये कहा जाए कि जुलाई माह की बात की जाए तो ये देखा गया था कि इंदौर में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो नहीं हुई थी, लेकिन अभी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना है जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि तकरीबन दो या तीन दिन तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। हल्की बारिश से लेकर तेज बारिश की ये कहा जाए कि चेतावनी भी दी गई है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि इंदौर के आसपास के इलाके जैसे चाहे देवास है और अन्य इलाके हैं वहाँ ज्यादा बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अब जो बारिश का एक लंबा इंतजार हो रहा था अब इस इलाके के अंदर वो बारिश देखने को मिलेगी। जी, और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी यहाँ पर जताई गई है। लेकिन फिर भी लोगों को घर से बाहर निकलना होगा। जिन लोगों को काम होगा, कामकाज पर जो लोग जाते होंगे उनको वो घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं? और साथ ही साथ क्योंकि देखा जा सकता है कि घरों में भी लोगों के पानी भर गया है और अब जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है, इन चीजों को लेकर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? इंदौर का सबसे बड़ा जो समस्या है वो कहा जा सकता है वाटर लॉगिंग की समस्या है। इंदौर में जैसे ही तेज बारिश होती है सभी इलाकों में खासतौर पर निचले इलाकों के अंदर पानी भरना आम सी बात है। हर बार ये कहा जाता है कि नगर निगम की तरफ से ये कहा जाता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर साल वही समस्या लगातार बनती है। चाहे वो PRTS का इलाका हो, चाहे वो भवरकुआ के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर रोड्स पर भी पानी नजर आता है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत है जो कि सभी रहवासियों को फेस करना पड़ती है। थंडरस्टॉर्म्स की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि थंडरस्टॉर्म्स भी रहेंगे, लेकिन जो प्रिकॉशन की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो बिजली से बचने के जो प्रिकॉशन होते हैं वो सारे प्रिकॉशन आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस के जरिए पहुंचाने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में जो नदी नाले उफान पर रहते हैं वो एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि जो नदी नाले जो छोटे नाले हैं उनको क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि अमूमन देखने में ये आता है कि इसी तरह की लापरवाहियों की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं अंजाम हो जाती हैं। जी चलिए ठीक है, आप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ मेरे साथ रायसेन से अजय गोहिल जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, रायसेन में कैसा मौसम बना हुआ है, बारिश
का अलर्ट क्योंकि जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 3 दिन तक लगातार बारिश होती रहेगी, ये संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। फिलहाल कैसा मौसम है रायसेन में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायसेन की अगर बात करते हैं तो विगत कई दिनों से रायसेन में बारिश का दौर नहीं, न बारिश नहीं होने से किसान चिंतित होने लगे थे। उनकी धान के जो गले थे वो सूखने की कगार पे आने लगे थे, किसान चिंतित होने लगे थे, आम जनता गर्मी और उमस से परेशान होने लगी थी। मौसम विभाग कह रहा था कि जो तापमान जब पड़ता है तो उसके कारण जो नमी ज्यादा होती है इसके कारण उमस पड़ती है, लेकिन विगत 2 दिनों से हो रही बारिश ने हालांकि रायसेन में पूरी तरीके से बारिश पानी पानी कर दिया है। परसों अगर आधे घंटे की बात करते हैं, परसों जो आधे घंटे की बारिश हुई थी उसमें महामाया चौक पर पानी भरा गया था 1.5 फीट से अधिक। अगर कल की बात करते हैं तो कल 1.5 घंटे बारिश हुई है जिसमें लगभग 5 से 6 इंच के बीच में बारिश दर्ज की गई है, तो एक बड़ी बारिश की जो बड़ी मात्रा कह सकते हैं, संख्या में पानी गिरा है, 5 से 6 इंच बारिश कम नहीं होती। लेकिन कल की अगर बात करते हैं तो कल की जो 1.5 घंटे की बारिश थी उन्होंने रायसेन में पूरी तरह से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, निचली बस्तियों के घरों में पानी भरा गया था। स्थानीय महामाया चौक की बात करते हैं तो स्थानीय महामाया चौक पे 2 फीट से अधिक पानी हो गया था, दुकानदारों की दुकानों में पानी भराने लगा था, तो दुकानदार सड़कों पे आ गए थे क्योंकि जो वाहन निकल रहे थे उनकी उनसे जो वाहनों के कारण जो लहर बन रही थी उससे दुकानों में पानी भरा रहा था, तो दुकानदारों ने सड़कों पर आकर बीच में बैरिकेड लगाकर तो सड़क को बंद कर दिया था ताकि दुकानों के अंदर पानी न जाए। हालांकि पुलिस के द्वारा जो यातायात पुलिस है उसने कहा कि ये जो ट्रैफिक को नहीं रोक सकते, लेकिन दुकानदारों का कहना था कि बारिश ज्यादा हो रही है और दुकानों में पानी भरा रहा है, सामान को नुकसान हो रहा है, इस कारण दुकानदारों ने बैरिकेड लगाकर बारिश को रोका। वहीं अगर बात करते हैं रायसेन की शीतल सिटी की बात करते हैं, अवंतिका कॉलोनी की करते हैं बात करते हैं, शीतल सिटी फेज 2 की बात करते हैं, महामाया चौक की बात करते हैं, वार्ड नंबर 9 की बात करते हैं, वार्ड नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 13 की राहुल नगर की बात करते हैं, तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। 1.5 घंटे की बारिश में लोगों के घरों में पानी बारिश पानी पानी पहुंच गया था। ये हमारे दर्शक, ये दर्शक जो हमारे विजुअल ये देख पा रहे हैं, ये रायसेन के विजुअल हैं और आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश का दौर 1.5 घंटे की बारिश ने रायसेन में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। अंशिका, बिल्कुल अजय, क्योंकि अगर लोगों को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है महज 1.5 घंटे की बारिश ने ही लोगों का हाल बुरा कर दिया है, तो प्रशासन के दावे किस तरह खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं उसका भी अंदाजा हम लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको नर्मदापुरम से दिखा रहे हैं जहां पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, और हालांकि आप देखिए बारिश लगातार जिस तरह से हो रही है, और सबसे अहम बात बारिश जब होती है तो प्रशासन की उसमें क्या तैयारियां होती हैं वो भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, लेकिन जिस तरह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है उससे प्रशासन की तैयारियों की पोल खुलती हुई यहां पर नजर आ रही है।